तो कैसे हो आप लोग? मैं हूँ सैम सत्यम और लेके आया हूँ आप लोगों के डिमांड में एक न्यू ऑडियो बुक, न्यू नॉवेल। और मैं बताऊँगा नहीं कि ये नॉवेल मतलब मैं नाम जो टाइटल है वीडियो के उसमें मैं ओरिजिनल नाम नहीं दूंगा, एंड थंबनेल भी दूसरी रहेगी क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाती है मेरे ऑडियो बुक्स पे एंड मेरे चैनल को खतरा पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये नॉवेल है डार्क नाइट संदीप नेयर की। तो किसी को अगर इसकी ज़रूरत हो सुनने कोई सुनने को चाहो तो आप उन्हें शेयर कर देना क्योंकि ये सर्च लिस्ट में आने से रही, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करना। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं चैप्टर 1 शुरू करने जा रहा हूँ। एंड आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। यार आप लोगों के कमेंट्स में मोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है सुन के जब आप लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वो करना। झूठ ही कर देना सही, वो सॉन्ग है ना, झूठा ही सही प्यार तो कर, तो आप लोग झूठा ही सही तारीफ़ तो कर देना। तो चलिए चैप्टर 1 शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले बता दूँ कि इरोटिक स्टोरी है, तो माहौल बना के बैठिएगा। शुरू करते हैं। आपका नाम? उसकी सलेटी आंखों में मुझे एक कौतुक सा खींचता दिखाई दिया। मुझसे मिलने वाली हर लड़की की तरह उसमें भी मुझे जानने की एक हैरत भरी दिलचस्पी थी। काम? आईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रीमियम लाउंज की गद्देदार सीट में धंसते हुए मैंने आराम से पीछे की ओर पीठ टिकाई। हम दोनों की ही अगली फ्लाइट सुबह थी, सारी रात थी हम दोनों के पास एक दूसरे से बातें करने के लिए। सॉरी, काम नहीं, नाम। जी हाँ, मैंने नाम ही बताया, मेरा नाम काम है। थोड़ा अजीब सा नाम है, पहले कभी यह नहीं सुना है। उसकी आंखों का कौतुक थोड़ा बेचैन हो उठा। नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद भूल गई हो, याद नहीं कभी यह नाम सुना हो। आपके एक देवता है कामदेव। थोड़ा आगे झुकते हुए मैंने उसके खूबसूरत चेहरे पर एक सोख नज़र डाली। काम और वासना के देवता, रूप और श्रृंगार की देवी रति के पति। उसका चेहरा ग्रीक गोल्डन अनुपात की कसौटी पर लगभग 90% खरा उतरता था। ओवल चेहरे पर ऊंचा और थोड़ा माथा, तरासी हुई नाक, भरे हुए होठ और मजबूत ठुड़ी और जॉ लाइन, सब कुछ सही अनुपात में लग रहे थे। उसकी आंखों की सेप लगभग स्कारलेट जॉनसन की आंखों सी थी और उनके बीच की दूरी एंजेलिना जॉली की आंखों के बीच की गैप से शायद आधा मिलीमीटर ही कम होगा। वह लगभग 27-28 साल की काफ़ी मॉडर्न लुकिंग लड़की थी। स्किनी रिप्ड ब्लू जीन्स के ऊपर उसने ऑरेंज कलर का लो कट स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था। डार्क ब्राउन बालों में कैरामल हाइलाइट्स की ब्लेडेड लेयर्स कांधों पर झूल रही थी। गोरे बदन से सैरिल स्टॉम फ्लावर परफ्यूम की मादक खुशबू उड़ रही थी। फिर भी यह तो कामदेव के जिक्र पर या मेरी सोख नज़र के असर में शर्म के कुछ गुलाबी आभा उसकी आंखों से टपक कर गालों पर फैल गई। इससे पहले कि उसके गालों की गुलाबी शर्म गहरा कर लाल होती, मैंने पास पड़ा अंग्रेजी का अखबार उठाया और फ्रंट पेज पर अपनी नज़रें फिराई। खबरें थी, कॉलेज गर्ल किडनैप्ड एंड रेप्ड इन मूविंग कार, केसेस ऑफ रेप, मोलेस्टेशन राइज इन कैपिटल। मेरी नज़रें अखबार के पन्नों पर सरकती हुई कुछ नीचे पहुंची। नीचे कुछ दवाखानों के इतिहासकार थे, रिगेन सेक्सुअल वीगर एंड वेटिलिटी, इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव एंड स्टेमिना। मगर यह नाम कोई रखता तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। उसके गालों पर अचानक फैल आई गुलाबी शर्म उतर चुकी थी क्योंकि अब कामदेव की जगह हकीमों की और दवाइयों ने ले ली है। मैंने अखबार के पीछे छपे हुए मर्दाना कमजोरी को दूर करने वाले इतिहासकारों की ओर इशारा किया। शर्म की गुलाबी परत एक बार फिर उसके गालों पर चढ़ाई। सच तो यह है कि यह देश अब कामदेव को भूल चुका है। अब यहाँ न तो कामदेव के मंदिर बनते हैं और न ही उनकी पूजा होती है। कामदेव अब सिर्फ ग्रंथों में ही रह गए हैं, उन ग्रंथों में जिन्हें समाज के महंतों और मठाधीशों को सौंपा दिया गया है। यह महंत बताते हैं कि काम दुष्ट है, उदंड है,
उन्होंने काम की रति के आलिंगन से निकालकर क्रोध का साथी बना दिया है। काम, क्रोध, रति बेचारी को काम से अलग कर दिया गया है। काम जिसकी नज़रों की धूप से उसका रूप खिलता था, उसका श्रृंगार निखरता था, उसकी रति की जोड़ी टूट गई है। यदि काम रति के आलिंगन में ही संभला रहे तो शायद क्रोध से उसका साथ ही ना रहे। मगर काम और क्रोध का साथ ना रहे तो इन महंतों का काम क्या रह जाएगा? इन महंतों के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है काम। रति से बिछड़कर क्रोध का साथी बना रहे। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपके देश में काम को बुरा समझा जाता है, दुष्ट और उदंड। आपको काम को वश में रखने की शिक्षा दी जाती है, इसलिए आप अपने बेटे का नाम काम नहीं रखते। आप भला क्यों दुष्ट और उदंड बेटा चाहेंगे? वैसे कामदेव की कहानी तो आप जानती ही होगी। मैंने अंदाज़ा लगाया जो गलत था। नहीं, कुछ खास नहीं पता। कामदेव ने समाधि में लीन भगवान शिव का ध्यान भंग किया था और क्रोध में आकर भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया था, इसलिए आप भगवान शिव को कामेश्वर कहते हैं। पागलपन करने वाले ईश्वर को आपने भस्म करने वाला बना दिया। वह तो फिर रति का क्या हुआ? स्त्री होने के नाते उसमें रति के लिए सहानुभूतिपूर्ण उत्सुकता होना स्वाभाविक था। रति काम को जीवित कर सकती थी। काम को और कौन जीवित कर सकता है रति के अलावा? काम तो रति का दास है। विश्वामित्र के काम को मेनका की रति ने ही जगाया था। बहामृष की तब भी नहीं चला था रति की शक्ति के आगे। मैंने एक बार फिर उसके रतिपूर्ण श्रृंगार को निहारा। तो क्या रति ने कामदेव को जीवित कर दिया? आपके समाज के महंत रति से उसकी यही शक्ति तो छुपाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जिस दिन रति को अपने इस शक्ति का बोध हो गया, उस दिन पुरुष स्त्री का दास होगा। शर्म की वह गुलाबी आंखें एक बार फिर उसके गालों पर फैल गई। शायद उस समाज की कल्पना उसके मन में उभर आई जिसमें पुरुष स्त्री का दास हो। सिर्फ एक औरत के मन में ही पुरुष का शासन करने का विचार भी एक लजीली संवेदना ओढ़ कर आ सकता है। तो फिर रति ने क्या किया? रति ने कामदेव को जीवित करने के लिए भगवान शिव से विनती की। और जानती है भगवान शिव ने क्या किया? क्या उन्होंने कामदेव को जीवित तो किया मगर बिना शरीर के, ताकि रति की देह को कामदेव के अंगों का आँच भी ना मिले। अब कामदेव अनंग है और रति अतृप्त है। ओह, उसके चेहरे पर एक गहरा असंतोष दिखाई दिया। वैसे आपके नाम की तरह आप भी दिलचस्प आदमी हैं। कितना कुछ जानते हैं इंडिया के बारे में। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप पहली बार इंडिया आए हैं। मेरी पैदाइश लंदन की है मगर मेरी जड़ें इंडिया में ही हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट इंडिया के ईस्ट अफ्रीका गए थे, फिर मेरे पेरेंट्स ईस्ट अफ्रीका से निकलकर ब्रिटेन जा बसे। कैसा लगा इंडिया आपको? खूबसूरत और दिलचस्प, आपकी तरह। मैंने फिर उसकी सोख नज़र से उसे देखा। उसके गाल फिर गुलाबी हो उठे। आपने अपना नाम नहीं बताया। मीरा। वैसे मुझे लगा कि उसका नाम रति होता तो बेहतर था। काम क्या करते हो आप? मीरा का अगला प्रश्न था। मैं इसी प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपका काम, आपका व्यवसाय ही आपकी पहचान होती है। आप कैसे इंसान हैं उसकी पहचान व्यवसाय की पहचान के पीछे ढकी ही रहती है। मेरा पहचान योगा इंस्ट्रक्टर की है। हिंदी में कहे तो योग प्रशिक्षक। इंस्ट्रक्शन या निर्देशों की योग में अपनी जगह है। जमीन पर सिर रखकर, गर्दन मोड़कर, टांगे उठाकर, पैर आसमान की ओर तानकर, यदि स्वर्गवासन करना हो तो उसके लिए सही निर्देशों की जरूरत तो होती है, वरना गर्दन लचक जाने का डर होता है। और यदि कुल्हों के हाथों से सही तरह से ना संभाला हो तो जिस कमर की गोलाई कम करने से कमरकस इरादे से योगा सेंटर ज्वाइन किया हो, वो कमर भी लचक सकती है। मगर योग वह होता है जो पूरे मनोयोग से किया जाए और मन की साधना के लिए निर्देश नहीं बल्कि ज्ञान की ज़रूरत होती है, और ज्ञान सिर्फ गुरु से ही मिल सकता है। इसलिए मैं स्वयं को योग गुरु कहता हूँ। मैं योग गुरु हूँ।
योग गुरु, वो कपाल भाती सिखाने वाले स्वामी जी जैसे आप वैसे लगते तो नहीं। मीरा की आंखों के कौतुक में फिर पहली सी बेचैनी दिखाई दी। मुझे पता था उसे आसानी से यकीन नहीं होगा। दरअसल किसी को भी मेरा खुद के योग गुरु कहना रास नहीं आता। जिस टी शर्ट पहनने वाला, स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाला, स्लीप अराउंड करने वाला योग गुरु, उसके मन में योग गुरु की एक पक्की तस्वीर बनी होती है। लंबे बालों और लंबी दाढ़ी वाला भगवाधारी साधु। मगर योग एक क्रांति है, साइलेंट रेवोल्यूशन। योगी क्रांतिकारी होता है और क्रांतिकारी इंसान किसी ढांचे में बंधकर नहीं रहता। निर्वाण की त्राह पर चलने वाला और किसी स्टेरियोटाइप से भी मुक्ति ना पा सके तो संसार की मुक्ति क्या खाक पाएगा? वैसे ही कुछ अलग किस्म का। वैसे आप योग करती है? हाँ, कभी कभी। वही बाबा जी वाला कपाल भाती, इट्स ए वेरी गुड एक्सरसाइज टू कीप फिट। महर्षि पतंजलि कह गए हैं, डूइंग बोट आसान टू गेट ए फ्लैट टमी इन मिसिंग द होल बोट ऑफ योगा। मैंने एक छोटा सा ठहाका लगाया। इंटरेस्टिंग, किस तरह? अब तक मीरा मेरे विचित्र जवाबों की आदि हो चुकी थी। कबीर के बारे में जानना चाहोगे? कबीर? कौन कबीर? कबीर मेरा स्टूडेंट है, मुझसे योग सीखता है। क्या वह आपकी तरह दिलचस्प इंसान है? मुझसे भी ज़्यादा। तो फिर बताइए, आई विल लव टू नो अबाउट हिम। कबीर की कहानी दिलचस्प भी है, डिस्ट्रेसिंग भी है, ट्रैजिक भी है और इरोटिक भी है। आप अनकंफर्टेबल तो नहीं होगी? कामदेव की कहानी के बाद तो अब हम कंफर्टेबल हो ही गए हैं। आप शुरू करिए। एक बहुत कंफर्टेबल सी हंसी उसके होठों पर खिल गई। चैप्टर टू। वह जुलाई की एक रात का आखिरी पहर था, कबीर की रात। प्रिया के ईस्ट लंदन के फ्लैट पर उसके बिस्तर पर गुजर रही थी। प्रिया कबीर की नई गर्लफ्रेंड थी। प्रिया के रेशमी बालों की बिखरी लटों का सुर्ख उजाला रात की सुरमई किवाड़ों पर दस्तक दे रहा था। प्रिया ने अपने बालों की उन बिखरी लटों को समेटा और कंधों पर कुछ ऊपर चढ़ आई रजाई को नीचे कमर पर सरकाया। मखमली रजाई उसके रेशमी बदन पर पलक झपकते ही फिसल गई, जैसे वार्डरोब माल फंक्शन की शिकार हुई किसी मॉडल के जिस्म से उसकी ड्रेस फिसल गई हो। रात भर कबीर के बदन से लगकर बिस्तर पर सिलवटे खींचता उसका नर्म छरहरा बदन लहरा कर कुछ ऊपर सरक गया। उसकी गर्दन से फिसलकर क्लीवेज से गुजरते हुए कबीर के होठों पर एक नई हसरत लिपट गई। उसकी छरहरी कमर को घेरे हुए कबीर की बाहें कुल्हों के उभार नापते हुए उसके जांघों पर आ लिपटी। एक छोटे से लम्हे में कबीर ने प्रिया के बदन के सारे तरास नाप लिए। तरास भी ऐसे कि एक ही रात में ना जाने कितने अलग अलग सांचों में ढले हुए लगने लगे थे। कबीर ने करवट बदलकर एक नज़र प्रिया के खूबसूरत चेहरे पर डाली। रेशमी बालों की लटों से घिरे गोल चेहरे पर चमकती बड़ी बड़ी आंखों से एक मोहक मुस्कान छलक रही थी। उसका बेली बास मखमली बदन अब भी कबीर के होठों पर लिपटी ख्वाहिश को लुभा रहा था, मगर कबीर की नज़रें जैसे उसकी आंखों की तिलिस्सी में खो रही थी। जैसे नज़रों पर चले जादू ने होठों की हसरत को थाम लिया था। अचानक ही कबीर को अपने दहीने गाल पर प्रिया की नर्म हथेली का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नाजुक उंगलियों कबीर के चेहरे पर बिखरी हल्की खुरदुरी धाड़ी को सहला रही थी। लापरवाह प्रिया की उन्हीं तिलस्मी आंखों में से एक मीठी झिड़की टपकी। दहीने गाल पर एक हल्की सी चुटकी काटते हुए उसने कबीर के हाथ को अपने जांग पर थोड़ा नीचे सरकाया। गाल पर ली गई चुटकी कबीर के प्रिया की मुलायम जांघों के स्पर्श से कहीं अधिक गुदगुदा था। प्रिया ने अपनी बाईं ओर झुकते हुए नीचे कारपेट पर पड़ी ब्रा उठाई और बिस्तर पर कुछ ऊपर सरक कर बैठते हुए कथई ब्रा में अपनी गुलाबी स्तन समेटे। कबीर की हथेली अब उसके जांग से नीचे सरक कर उसकी नर्म पिंडलियों को सहलाने लगी थी। कबीर के भींगे होठों की ख्वाहिश अब उसके मुलायम जांग पर मचलने लगी थी।
रजाई कुछ और नीचे सरक कर उसके घुटनों तक पहुंच चुकी थी। प्रिया ने घुटने से खींचकर रजाई फिर से कमर से कुछ ऊपर सरकाई। खुरदुरी दाढ़ी पर रगड़ खाते हुए रजाई ने कबीर की आंखों में उतर आई शरारत को ढक लिया। उसकी शरारत से उसने प्रिया की पिंडलियों पर अपने हथेली का पकड़ मजबूत की और उसकी दहीने जांघ पर अपने दांत हल्के से गड़ा दिए। आउच! प्रिया शरारत से चीखते हुए उछल पड़ी। उसकी पिंडलियां पर कबीर की पकड़ ढीली हो गई। एक चंचल मुस्कान प्रिया के होठों से भी खींचकर उसके गालों के डिंपल में उतरी और उसने अपना दायां पैर कबीर के जांघों के बीच डालकर उसे हल्के से ऊपर की ओर खींचा। कबीर के बदन में उठती तरंगों को जैसे एम्पलीफायर मिल गया था। आउच! एक शरारती चीख के साथ कबीर ने प्रिया के जांघों पर अपने दांतों की पकड़ ढीली की और उसकी छरहरी कमर पर होठ टिकाते हुए अपने बाहों में कस लिया। प्रिया पिछले एक महीने से तीसरी लड़की थी जिसके बिस्तर पर कबीर की रात बीती थी। नहीं, बल्कि प्रिया तीसरी लड़की थी जिसके बिस्तर पर उसकी रात बीती थी। कबीर की 24 साल की ज़िंदगी में सिर्फ तीसरी लड़की। इससे पहले कि उसकी ज़िंदगी कुछ अलग ही थी। ऐसा नहीं था कि उसके जीवन में लड़कियां नहीं थी। सच कहा जाए तो कबीर की ज़िंदगियों में लड़कियों की कभी कमी नहीं रही। जैसे सर्दियां पड़ते ही हिमालय की कोई चोटी बर्फ के सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है, जैसे बसंत के आते ही हॉलैंड के किसी बाग की ट्यूलिप की कलियां घेर लेती है, ठीक वैसे ही टीनेज में पहुंचते ही खूबसूरत लड़कियों और उनके ख्यालों ने उसे घेर लिया था। खूबसूरत लड़कियों की धुन उस पर सवार रहती थी। उसने कभी कली तो कभी स्ट्रेट किए हुए बालों की खुलती संभालती लटे, उनकी मस्करा और आईलाइनर लगी आंखों के एनिमेशन, उनके लिपस्टिक के बदलते सेट्स से सजे होठों की शरारती मुस्कानें, उनकी कमर के बल, उनकी नाभि की गहराई और उनकी वैक्स हुई टांगों की तरास, सब कुछ उसके मन में मुंडेरों पर मंडराते रहते। हाल यह था कि सुबह की पहली अंगड़ाई किसी खूबसूरत लड़की का हाथ थामने का ख्याल लेकर आती तो रात की पहली कसमकस उसने अपने भीतर समेट लेने का ख्वाब लेकर। मगर कबीर के ख्वाब ख्यालों की दुनिया में लड़कियां किसी सूफियाना नज्म की तरह थी जिन्हें वह अपनी फैंटेसी में बुनता था, एक ऐसी पहेली की तरह जो आधी सुलझती और आधी उलझी ही रह जाती। उसे इस पहेली में उलझे रहने में मज़ा आता था, मगर साथ ही इस पहेली के खुल जाने का डर भी सताता रहता था कि कहीं एक झटके में फैंटेसी का सारा हवा महल ही ना ढह जाए। और यही डर कबीर और लड़कियों के बीच एक महीन सा पर्दा खींचे रहता जिस पर वह अपनी फैंटेसी के गुलाबी संसार रचता रहता। इस बीच कुछ लड़कियों ने इस पर्दे को सिरकाने की कोशिश भी की, मगर वह खुद ही हर बार उसे फिर से तान लेता, शायद इसलिए कि मौका वैसा एक्साइटिंग ना होता जैसे कि उसकी फैंटेसी की दुनिया में होती, या फिर उसके करीब आने वाली लड़की उसके ख्वाबों की सबज परी सी ना होती, या फिर वैसा कुछ स्पेशल ना होता जिसे उसकी चाह थी, या फिर भी यह डर ही कुछ स्पेशल ना हो पाएगा। मगर फिर भी स्पेशल हुआ। कबीर की फैंटेसी एक काटम क्लैप्स के साथ हकीकत की ज़मीन पर आ उतरी, एक बेहद खूबसूरत हकीकत बनकर। कौन कहता है कि फैंटेसी कभी सच नहीं होती? क्या हर किसी की रियलिटी किसी और की फैंटेसी नहीं है? हम सब किसी न किसी की कल्पना, किसी न किसी के सपने का साकार रूप ही तो है। प्रिया भी शायद वही रियलिटी थी जो कबीर की फैंटेसी में सालों पलती रही। तो दोस्तों, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैं यहाँ पे ख़त्म कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं चैप्टर 3 जल्द ही लाऊंगा। एंड यार, मुझे भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है यार, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ यार, सच में सही है। तो थैंक यू जिसने ये रिकमेंड किया। एंड यार, माहौल बना के ही सुनिएगा प्लीज़। एंड कपल हो ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, या फिर आप अगर आप लड़के हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उन्हें ज़रूर शेयर करना, अगर आप लड़की हो और आपका कोई बॉयफ्रेंड हो तो उसे ज़रूर शेयर करना, माहौल बन जाएगा। और अगर किसी की कोई ना हो तो अपना हाथ ही काफ़ी है ब्रो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
तब तक के लिए टेक केयर, एंड रात हो रही है अभी, तो गुड नाइट, मिलते हैं, बाय बाय।